हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रीति। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज की रेसिपी है पनीर वेजी पुलाव, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और ये डिश हमेशा बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम पनीर मैगी पुलाव बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ राइस को बॉईल कर लिया है पहले से, मटर, पनीर, एक बड़ा प्याज कट कर लिया मैंने, एक टोमेटो कट कर लिया है, एक आलू मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रख दिया है, एक यहाँ पे मैंने मैगी ली है, एक चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया, यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, और यहाँ सारे मैंने खड़े मसाले लिए, दालचीनी, एक इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जीरा, खड़ा मिर्ची, और यहाँ पे नमक। तो चले अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ हमारा तेल गरम हो गया, अब मैं ये सारे खड़े मसाले डालूंगी इसमें। अब इसमें ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। आपको ये बिल्कुल मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। अब मैं ये एक जो बड़ा हमने अनियन कट किया था वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इसको हम 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। प्याज हमारा देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें टोमेटो ऐड करूंगी। इसमें आलू ऐड करूंगी। आप आलू को बिल्कुल बारीक ही कट करें, इससे क्या है ये जल्दी गल जाएगा, ज्यादा मोटा करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें मैं हल्का से अब मिर्ची ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर, रेड चिली, गरम मसाला में लास्ट में ऐड करूंगी। अब लास्ट नमक, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि हमारा मसाला पक जाए। ये देखिए हमारा मसाला पक गया। अब इसमें हम मैगी मसाला ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ी देर से चला के इसमें पानी ऐड करूंगी मैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अब इसको मैं एक उबाल आने तक इसको ऐसे हम ढककर इस पर रख देंगे। ये देखिए हमारा एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। मैं मैगी को ऐसे बारीक करके डालूंगी, आप चाहे तो 2 टुकड़े में भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डालूंगी। डाल दियो, आपको जैसा सही लगे आप वैसे ही डालें। अब हम इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे ऐसे ही मैगी पकने तक रख देंगे। हमारा 5 मिनट हो गए। ये देखिए हमारा मैगी भी अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें मैं
मटर ऐड करूंगी। पनीर, आप यहाँ पे पनीर फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैंने फ्राई वाला नहीं डाला। कितना प्यारा लग रहा है देखिए। अब इसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे पकाएंगे। ये हमारा 2 मिनट हो गया है, देखिए हमको इसको ज्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। ये मैंने बॉइल चावल लिया है, मैंने आपको फर्स्ट बताया है। अगर आप यहाँ पे कच्चा राइस भी डाल सकते हैं, वो आप कुकर में, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बॉइल चावल लिया है, आप वहाँ पे कच्चा चावल ऐड करें और कुकर में एक सीटी में आपका पुलाव, मैगी पुलाव रेडी। अब इसको ऐसे धीरे धीरे आस्ते में चलाएं। कि अब इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए वापिस हम इसको रख देंगे ढक के कुक होने के लिए, ठीक है। ये देखिए हमारा पनीर मैगी पुलाव रेडी, दिखने में कितना यम्मी लग रहा है। और ये डिश बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट होती है, आप लोग जरूर घर पे ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। कैसी लगी आज आपको मेरी ये रेसिपी पनीर मैगी पुलाव, तो आप भी इसको जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल